हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग, अनदर न्यू वीडियो। कैसे हो सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो अगर मेरे इस चैनल पर आप फर्स्ट बार कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दो, उसके बाद घंटे के आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी रोज़ रात को 8 बजे ऐसे वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन, ऐसे वीडियो ही की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाएगी, रोज़ रात को 8 बजे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एंड तक वीडियो का मज़ा। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा तो लास्ट में आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखें और उसको ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडिया की ऑटोमोबाइल टॉप सेलिंग कंपनियों की, तो मारुति सुजुकी का नाम सबसे ऊपर हमेशा रहा रहता है और हमेशा रहेगा, भी आगे भी चल के रह रहा है अभी तो अभी। और मारुति सुजुकी में बात करते हैं, मारुति सुजुकी वैगनोर की, तो वैगनोर है जो कि मारुति सुजुकी ने सन 2022 के पिछले महीने जुलाई की अगर बात करें तो करीबन 22,000 के लगभग यूनिट सोल्ड किए हैं। मारुति सुजुकी वैगनोर एक बढ़िया हैचबैक कार में आती है और दिखने में काफ़ी अच्छी बड़ी लगती है कार, और अच्छी बजटेबल और फैमिली कार है मारुति सुजुकी वैगनोर। दोस्तों, कहीं ना कहीं लेकिन कुछ कमियां जैसे होती है ना कि कंपनी मारुति सुजुकी जैसे वैगनर है तो वैगनर टॉप सेलिंग कार है और रही भी है आगे भी, और अभी पिछले आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी ने सन 2022 जुलाई में इसके 22,000 यूनिट सोल्ड किए हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कंपनियां ने बिल्ड क्वालिटी की तरफ ध्यान देती नहीं है, क्योंकि जो टॉप रेटेड कंपनियां हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्ड क्वालिटी में क्या बात है। तो दोस्तों, आज का मैटर कुछ ऐसा है, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, फिर पूरा मैटर आपको बताता हूँ कि क्या मैटर है और क्या डिटेलेड है आज के इस वीडियो की। गाड़ी को देखिए, नई नई थार है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है, एयरबैग दोनों खुल चुके हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों, आपने क्लिप देख ली होगी, अब बात करते हैं, ये है यूपी के कुंडा डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे कोई रोड है, रोड का नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट वैगनर से और जो एक्सयूवी आती है थार, महिंद्रा थार की, तो दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि सामने से आ रही वैगनर और इधर से सामने से जा रही महिंद्रा थार से दोनों की भिड़ंत टक्कर हो जाती है, और टक्कर में वैगनर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और थार तो एक बिल्ड क्वालिटी एक्सयूवी आती है टॉप रेटेड, तो इस कारण से थार में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आगे का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन वैगनर पूरी ख़त्म हो गई है। बताया जा रहा है कि वैगनर के एक जने का तो डेथ हो गई है, और कई जगह बताया जा रहा है कि डेथ वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा इंजर्ड थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, और कहीं ना कहीं फ़ोटो में मुझे देखने से लग रहा है कि वैगनर शायद रॉन्ग साइड से आ रही होगी, और जैसे कि फ़ोटोज में भी लग रहा है, तो एक्सयूवी में तो थार तो देखो बिल्ड क्वालिटी में एक ही नंबर आते हैं, तो थार का तो क्या होगा, थार का तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वैगनर तो क्या है, यह शायद 3 स्टार की लगभग वैगनर की बिल्ड क्वालिटी आती है सेफ्टी के साथ, तो वैगनर का तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। थार में थार के सभी लोग सेफ है, थार के एयरबैग जो आते हैं वो सब ओपन हो गए थे, इस कारण थार के लोग सभी से ठीक ठाक है, और वैगनर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया लग रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि वो पूरी डिटेल जो मेरे पास आई उसमें तो ऐसे बताया जा रहा है कि वैगनर के जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई है, मतलब जो ड्राइव कर रहे थे, वो ओनर हो या फिर चाहे और कोई, तो कहीं ना कहीं जो टॉप सेलिंग ब्रांड्स है जो हमारे को बिल्ड क्वालिटी के नाम पे ये सब देती है, तो फिर थोड़ा दुख होता है इस चीज़ का भी कि यार लोग, खैर कोई नहीं, हम जब भी आप कार ड्राइव करो, मोटरसाइकिल ड्राइव करो, कुछ भी ड्राइव करो, तो सेफ्टी का थोड़ा ध्यान जरूर रखिए, ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखिए, कार को अंडर स्पीड के अंदर चलाए जो ट्रैफिक रूल्स है उसके अधीन ना चलाए, रॉन्ग साइड से कभी ना चलाए, जैसे अभी वैगनर वाले भाई साहब रॉन्ग आ रहे थे तो इनके साथ ऐसा कुछ होगा, वैगनर तो पूरी ही खत्म हो गई है, और फिर वैगनर को ट्रॉली वगैरह में डाल के वापस जहाँ पे शॉप पर रिस्टोर मैकेनिक की वहाँ पे छोड़ा गया है, और थार में थोड़ा बहुत नुकसान था। अब थार के से थार तो कितनी बिल्ड क्वालिटी आती है थार की, तो थार का भी जो आपने आगे का देखा होगा क्या ही हो गया है, तो ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कार चलाओ, बाइक चलाओ, कुछ भी ड्राइव करो तो उसका विशेष ध्यान रखिए, स्लो चलाए,
चाहे आप हाईवे पे चलो चाहे लोकल रोड्स पे चलो, तो हर चीज़ को थोड़ा स्लो पे चलाए, ज़्यादा फास्ट। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को प्रेस करें, और ताकि जब भी मैं रात को 8 बजे ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं कल रात को 8 बजे एक और वीडियो के साथ, और आज़ादी का अमृत उत्सव मनाइए आप भी मेरे साथ, अपने घर पर तिरंगा लगाए और तिरंगे को मान सम्मान 15 अगस्त के बाद वापस रखे, अपमान ना करें, राष्ट्रीय अपमान होता है। हम सब का राष्ट्रीय, हम सब इंडियन हैं, प्राउड टू बी इंडियन। तो राष्ट्र आप भी मेरे साथ मनाइए हर घर तिरंगा अभियान में। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।